के सब कूट देंगे, सब परेशान तेरी बुझाती हूँ आज। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। देखो बच्चों, ये मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आया हूँ, दुख हरने वाला चाचा। ये एक बार जिसके ऊपर पड़ जाए वो उठता नहीं है, फुर उठ जाता है। मैडम ये तो बेल मारने वाला ताला है, ताला। हाँ तो इसी से आज होगा तुम लोग का धुलाई धुलाई धुलाई। मैडम मिला चटनी बन जाएगा, तो चटनी ही तो बनाएंगे। तो चलो सब अपना अपना होमवर्क दिखाओ, कौन कौन होमवर्क बना के आया आज, देखते हैं सबका कॉपी एकदम ए टू लेके जेड तक चेक करेंगे। हाँ लीजिए मैडम जी, एक सवाल पूछेंगे। पूछो। एक फ्रिज है और हाँ। एक हाथी। ठीक। फ्रिज में हाथी कैसे घुसेंगे? अरे बुड़बक ससुर के नाती, हाथी को फ्रिज में डाला जाता है। इतना भी करनी, बड़ा फ्रिज है। बड़ा फ्रिज है तो फ्रिज खोलेंगे, हाथी को घुसेड़ेंगे। उसमें अलग गधा घुसेंगे, कैसे घुसेगा? अरे फ्रिज खोलेंगे, गधा को घुसेड़ेंगे। इतना भी नहीं आता है अक्कल, हाथी से निकालेंगे तभी ना घुसेगा। अरे ससुर के नाती, तू तो हमरो बाप निकला रे बाप। मैडम जी इतना धूप में क्यों बैठवाए हैं, पूरा खुजली हो रहा है, ऊपर दो दिन से नहाए भी नहीं है। धूप में हम इसलिए बिठाए हैं ना कि ताकि तुम लोग को जो गर्मी लग रहा ना वो गर्मी को ठंडा का दिन तक तुम्हारा हीटर गर्म होके काम दे, इसलिए हम धूप में बिठाए। जितना हो सके सेक लो अपना बॉडी को। मैडम जी हम धूप में कलिया हो जाएंगे, फैला लबली लगा के मौसी चुला के। हे ससुर के नाती, सबके सब यहाँ पर चोर जुटा है, सबके सब चोर। अब तुम लोग बहुत क्वेश्चन पूछ ले, अब हम पूछते हैं क्वेश्चन तुम लोगों को। मैडम जी जहाँ कुछ कमी नहीं है, छुट्टी दे देता तो हम लोग अभी फ्री फायर खेलते हैं, जा के मोबाइल लेट वो एकदम ठीक के बोला है। हाँ एकदम एकदम काज बोले एकदम कर रहे हैं, बोलता है एक पूछो वो को पूछो ही उसने माथा खराब कर दिया। अरे नालायक, मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ, क्या बोला? हाँ मैडम जी का कुछ काम नहीं है, अब लेती हूँ तुम लोग का क्लास, अब लेती हूँ क्लास। चलो बता, तो तुम्हारे पास 10 आम है, 2 आम किसी ने छीन लिया, तो अब तुम्हारे पास कितना आम बचा? मैडम जी मेरे पास 10 आम और एक डेड बॉडी बचा है। अरे ससुर के नाती, डेड बॉडी मतलब? मैडम जी जो मेरे पास आम छीनेगा उसका डेड बॉडी बचेगा ना। अरे ससुर के नाती, तेरा बाप क्या करता है बोल, बोल तेरा बाप क्या करता है, तू बोल, अभी उसको फोन करेंगे, बोल तेरा बाप क्या करता है। मैडम जी हमारा बाप ना इंडिया का शूटर है, आपका एक एक गोली में उड़ा के किधर फेंका जाएगा ना आपको पता ही नहीं चलेगा, इसलिए सावधानी बरत के रहिए। अरे बाप रे, अरे तुम तो बहुत अच्छा पढ़ता है, तुम एक दिन पक्का मेरा नाम रोशन करेगा, मेरे साथ साथ इंडिया का भी नाम रोशन करेगा। हम बोलते तुम बहुत अच्छा बच्चा है, ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहो। तो चलो बच्चों अब मैं जो बोल रही हूँ अपना कॉपी में लिखो, तो सब अपना अपना कॉपी खोलो और लिखो। बोलिए ना बोलिए, कौन जो बोल रहे जल्दी बोलिए। तो चलो बच्चों मैं कुछ स्पेलिंग, कुछ इंग्लिश के स्पेलिंग लिखा रही हूँ, अपना कॉपी में लो, नोट करो सब। जी मैडम जी मैडम जी मैडम, चलो लिखो तो। जी मैडम जी बोलिए जल्दी से। टी ओ टू डी ओ डू जी ओ गू। मैडम जी ओ गू नहीं, गो गो। तुम हमको मत सिखाओ, मैं ऐसे ही पढ़ लिख के बीएड करके यहाँ पर नहीं बैठे हुए हैं। जो मैं बोल रही हूँ अपना कॉपी में लिखो, लिखो फुटूरे, लिखो उसका स्पेलिंग FUTURE फुटूरे, FUTURE फुटूरे। उसके बाद लिखो नटूरे, लिखो NATURE नटूरे, NATURE नटूरे। लिख लिया सब? हमसे ज्यादा सवाल जवाब मत करो, मैं जो बोल रही हूँ वो लिखो कॉपी में चुपचाप से। हमको भी याद नहीं हम क्या जो बच्चा सबको सिखाए, कहीं मेरा पोल ना खुल जाए, हमको तो डर है, मेरा पोल खुल गया ना तो हम तो गए अपने नौकरी से हाथ धो के बैठ गए। अरे बाप का जो होगा, ना ना ना, हमको ऐसे ही झोल फांस करके लोग को पढ़ाना है, तो मेरा पोल खुल गया तो हो गया डामाडोल, ऐसे ही करके पढ़ाना है। ऐ मैं जो बोल रही हूँ वही सही है, चल कॉपी में अपना लिख। तो हम जल्दी जल्दी यहीं पर क्लास खत्म करते, कहीं मेरा पोल ना खुल जाए। तो चलो बच्चों आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।
अरे चलो चलो घर चलो घर चलो घर चलो। अरे सुनो ना, तुम महीना पे कितना देता है मैडम जी को? 40। ठीक है, हम भी 40 रुपया ही देते हैं। फुटुरु और नुटुरु ये पढ़ाया 40 है, और कौन जो पढ़ाए? चलो घर चलो घर चलो घर चलो। हाँ तो कल डांटते रहता। चलो जोहार दोस्तों, मैं सावित्री। आज का वीडियो मैं फुल एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया था, ये ब्लॉग और फुल एंटरटेनमेंट के लिए मैं बनाती हूँ। तो आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप न्यू आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल द प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आप लोग को मिलती रहेगी, और खास करके ब्लॉग से रिलेटेड। मैंने लास्ट में एक पॉइंट बोली थी, नटुरे फटुरे। सोच लिए अगर आपकी गली मोहल्ले में ऐसे टीचर मिल गया तो बच्चों के साथ क्या हो सकता है, इसीलिए नटुरे फटुरे से डिस्टेंस बना के रखिए, ताकि कोरोना वायरस ना घुस पड़े। तो इसलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।